आप मिस्टर बहार अहमद हैं, उम्र इनकी 67 ईयर है और ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से हैं। करीब पिछले 7-8 साल से कमर में दर्द और 3 या 4 साल से लेफ्ट लेग में पेन, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी इन वॉकिंग थी और करीब 4 महीने से इतना ज़्यादा कि हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा ये चल नहीं पा रहे थे, इतना पेन था। और ये उनके बेटे हैं मुनीर अहमद। सो मुनीर, बहुत पेन, कैसे थी तकलीफ? बड़ी तकलीफ थी इसको, बहुत तकलीफ थी, बहुत ही। चल दो पा रहे थे ज्यादा? चार महीने से बिल्कुल बैठते था, थोड़ा 10 कदम चलता था फिर बैठ जाता ओके। सो आफ्टर सर्जरी बैकएक खत्म हो गया, लेग पेन खत्म हो गया, वॉक बिल्कुल बढ़िया है। बीइंग 67 और पिछले 7 साल से इतनी तकलीफ थी, तो मुनीर अब कैसा लग रहा है चलते समय इनको देख के? बिल्कुल। अच्छा अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा था। पहले जो इतनी तकलीफ थी, चल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे हाँ थे, बिल्कुल, व्हील चेयर पे सोकर आज। भी तकलीफ था, सोकर भी तकलीफ बड़ा था, कोई असर नहीं दवाई के साथ था, खड़ी अब दवाई बढ़िया लग रहा है। बस। मुनीर ठीक बाहर, तुम्हें कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा, पैर का दर्द बिल्कुल ठीक, चलने में कोई दर्द नहीं लगता। पहले से जो तकलीफ थी पहले वो बहुत बड़ा तकलीफ तब थी, चल बिल्कुल? नहीं सकता अच्छा, था, बैठ नहीं सकता था, ओके। सोने में भी दर्द उठता था, बड़ी मुश्किल से करता था दिन। पेन को रिलीव करना और पेन फ्री बनाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो स्माइल है इन लोगों के चेहरे पे, यही ब्यूटी है। पेन खत्म हो गया, नाउ ही इज फीलिंग सो नाइस एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पाइन सर्जरी। थैंक यू सो मच। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जिनकी स्पाइन सर्जरी हो चुकी है, स्पाइन सर्जरी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी के बाद फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? मरीज को भागना नहीं है, मरीज को दौड़ना नहीं है, 15 से 20 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, ट्विस्ट नहीं करना है और नीचे नहीं झुकना है, समझे? बाहर है मत, आपने भागना नहीं है, आपने दौड़ना नहीं है, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, नीचे नहीं झुकना है, ठीक ट्विस्ट नहीं करना है, ठीक और अभी 4 महीने के लिए थोड़ा सा झुकना मना है क्योंकि ठीक हड्डियों ने आपस में जुड़ना है। ठीक ऑपरेशन के बाद ये सबसे जरूरी चीज़ है जो फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन डोंट्स को हमें बिल्कुल फॉलो करना है, तभी हमें मिलेगा बढ़िया रिजल्ट।